खबर एटा जनपद से है, जहां व्यापार मंडल के विजय गुप्ता द्वारा व्यापारियों के हित में जीएसटी समस्या समाधान कैंप लगवाया गया और जीएसटी के बारे में कैंप में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर हाथी गेट के अंदर सुभाष मूर्ति पर एक जीएसटी कैंप लगाया गया, जहां अभिषेक प्रताप सिंह डिप्टी कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों के अंदर डर और कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। वहीं अधिक से अधिक व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के दायरे में लाने के लिए उन्हें जीएसटी पंजीयन के फायदे के भी बारे में बताया गया। आपका? मैं अभिनव कुलदेश, जिला मावन के उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल एटा से हूँ। आज जो आपके द्वारा एक कैंप लगाया गया है जीएसटी कैंप, क्या जानकारी है इसके बारे में? ये जीएसटी कैंप जो है हमारे संगठन ने इसको आयोजित किया है और जीएसटी पूरी टीम एटा की यहाँ पर मौजूद है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे व्यापारीगण हैं, एक तो इससे इसमें जागरूकता है जीएसटी को लेकर, जीएसटी के बेनिफिट्स भी बताए जा रहे हैं कि इसमें इंश्योरेंस भी होता है, कवरेज होता है पूरा, काफ़ी फायदे होते हैं, बैंक में भी आगे आपको फायदा मिलने वाला है लोन्स और सारी चीज़ों को लेकर, तो इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हम व्यापारियों को करा सकें और ये भय मुक्ति हो सके। जो अभी पिछले कुछ दिनों उनका अभियान चला था, उससे हमारे व्यापारीगण सारे सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सही तरीके से काम उनका चलता रहे। अभी और कब कब लगाया जाएगा कैंप आपके द्वारा? इस कैंप को हम लोग, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है हम लोगों को और इस कैंप को हम ज़्यादा नहीं तो कोशिश करेंगे महीने दो महीने में एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जनपद में मैं अभिषेक प्रताप सिंह डिप्टी कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट से, और ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक कैंप का आयोजन व्यापार मंडल के सहयोग से विजय गुप्ता जी ने करवाया है और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जीएसटी के संबंध में व्यापारियों के अंदर जो भी भय और भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करें और व्यापारियों को जागरूक करके जीएसटी पंजीयन के उनको फायदे बता के ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के दायरे में लाएं। अभी तक लगभग कितने जीएसटी पंजीकरण हो गए हैं आज जो कैंप लगाया गया है? अभी तक कितने आ गए? दो आ चुके हैं अभी तक। और भी अभी लोगों को, व्यापारियों को क्या क्वेरी करके गए हैं और उनके लिए हमने अपने ऑफिस में एक हेल्प डेस्क की भी स्थापना की, जो 10 से 5 क्रियाशील रहती है, जहाँ पे कभी भी आके वर्किंग डे में वो अपने पेपर लेके वहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना अप्लाई करा सकते हैं। और भी शहर में कहीं कैंप लगाया जाएगा जीएसटी को लेकर? अभी 3 दिन पहले जलेसर में लगाया गया था और आगे भी हम लोगों का प्रयास है कि जितनी भी अर्बन बॉडीज हैं, एटलीस्ट नगर पंचायत स्तर तक, जैसे आपकी छोटी छोटी धुमरी, जैतरा, सकी, प्रत्येक लोकेशन पे एटलीस्ट एक कैंप अगले 1 से 1.5 माह में बनाएं।